जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम सरकार क्या है? आज उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सिर्फ आप लोगों से एक मिनट मांगता हूं कि पूज्य गुरुदेव के लिए सोचिए, सिर्फ एक मिनट के लिए सोचिए, पूज्य गुरुदेव क्या है? सोशल मीडिया पर एक विवाद चल रहा है उनके भाई को लेकर। बागेश्वर धाम सरकार की आयु 27 वर्ष है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने क्या किया इस उम्र में, और इस उम्र में हम और आप क्या करते हैं, सिर्फ एक मिनट में आपको पता चल जाएगा। सुनिए पूज्य गुरुदेव की जीवन गाथा, जो आज जिस मोड़ पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार खड़े हुए हैं और उन पर ऐसे कीचड़ उछाला जा रहा है। विरोधी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे जब तक हम जैसे भक्त और आप जैसे भक्त पूज्य गुरुदेव का साथ देंगे। बागेश्वर धाम सरकार 27 वर्ष की उम्र में दिन रात एक मिनट अपने लिए नहीं जीते, एक मिनट चैन से नहीं सोते, क्योंकि धाम पर हम और आप जैसे भक्त पूज्य गुरुदेव से समस्या का समाधान लेने के लिए जाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज उन पर ऐसा कीचड़ उछाला जा रहा है। गुरुदेव का सच बता रहा हूं मैं आपको, सत्य के लिए अपने भाई का परित्याग कर दिया बागेश्वर धाम सरकार ने। और कुछ दो कौड़ी के जो सोशल मीडिया वाले होते हैं ना, कुछ टीआरपी के लिए, अपने न्यूज चैनल बढ़ाने के लिए पूज्य गुरुदेव को बदनाम कर देते हैं। एक बार देखो तो कि दिन रात वो सोते नहीं है, भक्तों से मिलने के लिए रात रात भर भूति बांटते हैं और धाम पर बैठे रहते हैं। 27 वर्ष की उम्र में हम और आप एक नई कार लेने की सोचते हैं, मोटरसाइकिल से घूमना चाहते हैं, एप्पल आईफोन लेना चाहते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और पूज्य गुरुदेव ने तो अपने घर का परित्याग कर दिया। माता के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, पिताजी के साथ रह नहीं सकते, भाई के साथ, भाई का गलत संगत के कारण गुरुदेव ने परित्याग कर दिया। सिर्फ और सिर्फ ये आम आदमी नहीं कर सकता है। बागेश्वर धाम सरकार, आप सोचिए कि जो सनातन का ध्वज लेकर, सनातन का झंडा लेकर घर से निकले हैं, उनने कभी पीछे मुड़ के अपने घर को नहीं देखा, और फिर भी उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है केवल और केवल दो कौड़ी के मीडिया वालों की वजह से। आप खुद सोच लीजिए कि 27 साल की उम्र में आप कितने दिन नहीं सोएंगे रात को, एक दिन जग लेंगे, दो दिन जग लेंगे। पूज्य गुरुदेव सोते नहीं है। करोड़ों रुपए का कर्जा है, जो 151 बेटियों का विवाह किया है ना, उसको चुकाने के लिए दिन रात एक करते हैं पूज्य गुरुदेव, कथा करते हैं। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोगों को यह दिखता है कि बागेश्वर धाम सरकार बहुत बहुत बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है। अरे किसके लिए भैया? आपके लिए और हमारे लिए। एक बार उनसे जाकर पूछिए कि गुरुदेव आपने कभी खाना खाया? कभी किसी ने नहीं पूछा होगा। हरदम पूज्य गुरुदेव ने अपने मन को मारा। क्या गुरुदेव का मन नहीं करता है कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से सजे, शादियों में जाए, पनीर खाएं, ये खाएं, प्याज लहसुन की सब्जी खाएं? रहता है कि भैया हमें एंजॉय करना है, हम यहाँ जाए वहाँ जाए। लेकिन नहीं, गुरुदेव ने सब कुछ त्याग दिया। भाई की संगत को देखकर भाई को त्याग दिया, और सनातन का झंडा लेकर निकले तो घर को त्याग दिया। ऐसे है हमारे बागेश्वर धाम सरकार। एक मिनट सोचिए पूज्य गुरुदेव के बारे में। सतयुग में भगवान राम थे जो भक्तों को तारते रहे और अपने मन को मारते रहे,
आज पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, भक्तों को तार दिया, 24 घंटे भक्तों को तारने में लगते हैं पूज्य गुरुदेव को, भक्तों को दर्शन देने में, चैन से वो खाना नहीं खा पाते और अपने मन को मार लेते हैं कि यार कोई मेरे लिए, मेरे दर्शन के लिए बहुत दूर से आया है, ये किसी ने नहीं सोचा। लेकिन पूज्य गुरुदेव के लिए कीचड़ उछाल देते हैं लोग। सिर्फ सोचिए, आप भी सोचिए कि क्या गुरुदेव दिन रात एक कर देते हैं। कभी आपने देखा कि गुरुदेव कभी ऐसे घूम रहे हो, चैन से सुकून से बैठे हो? आप भी धाम पर जाते हैं तो गुरुदेव किसी ना किसी काम में व्यस्त रहते हैं, दिन रात एक करते हैं। करोड़ों रुपए का कर्जा है पूज्य गुरुदेव के ऊपर, घर नहीं जाते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं, बागेश्वर धाम सरकार माँ बाप से मिलने अपने घर नहीं जाते हैं, घर तक को त्याग दिया कि जो 151 बेटियों का विवाह किया था उसका जो कर्जा है ना सर पर, हम और आप 100-200-500 रुपए ले लेते हैं तो नींद नहीं आती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है और आज सोते नहीं है वो, सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए। गुरुदेव अपने भक्तों को तो तार रहे हैं, अपने मन को मार रहे हैं, लेकिन एक बार आप गुरुदेव का साथ तो दीजिए। सनातन का ध्वज लेके निकले हैं, इसे झुकने ना दें। भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है, गुरुदेव का वचन निभाना है। फैसला आपके हाथ में है कि उन दो कौड़ी के पत्रकारों की सुनना है या आपको अपनी सुनना है। एक बार दिल से सुनिए। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी।